तो व्यूज सब्सक्राइबर के चक्कर में अपनी इज्जत भी कहीं ना कहीं बेच खाते हैं। आज मैं क्या कुछ कहना चाह रही हूँ, आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा, तब जाकर आप लोगों को पता चलेगा। वैसे आप सभी को मेरी ओर से, मेरे इस छोटे से चैनल की ओर से आप सभी को हैप्पी दीपावली। तो नमस्कार YouTube फैमिली, मैं रीति मरा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और वैसे भाई मेरा छोटा सा चैनल है, मैं छोटी इंसान पर मैं बातें कहती हूँ बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि मेरी बातें किसी किसी को चुभ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि मेरी बातें बहुत बड़ी होती है तभी तो चुभती है, वरना आप चुभती तो नहीं। चलिए हम बातों को नहीं घुमाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो आज मैं बात करूंगी बसंती जी की। बसंती जी का वीडियो मैंने देखा और काफी दिनों से मैंने उन पर वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा रिएक्शन देना तो बनता है भाई, क्योंकि जब भी हम कुछ देखते हैं तो उस पर रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके एक रिएक्शन वीडियो जरूर बनाते हैं। तो बसंती जी को मैंने देखा कि काफी दिनों के बाद वो रो रही थी। रो इसलिए रही थी क्योंकि उनके सब्सक्राइबर घट रहे हैं, क्योंकि उनके व्यूवर्स उनकी वीडियो अब देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पर आप आते हो तो लोग आपको तभी तक पसंद करते हैं, तभी तक आपको देखने की इच्छा रखते हैं जब तक आप सच्चे हो और सही चीजें दिखाते हो। आखिर आप कब तक सोशल मीडिया पर लोगों को बेवकूफ बनाकर व्यूज लेते रहोगे, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहोगे, या फिर लोगों के दिलों में ही क्यों ना आपकी इज्जत हो वो कहीं ना कहीं खत्म होती जाती है। तो बसंती जी फिलहाल रो रही थी, वो कह रही थी कि मैं अब यूट्यूब पर काम नहीं करूंगी। पता है क्यों? क्योंकि बसंती जी की काली करतूते अब कहीं ना कहीं उनके सब्सक्राइबर भी, उनके सब्सक्राइबर की मैं बात करूं तो उनके सब्सक्राइबर भी अब जान चुके हैं। जो लोग उनको प्यार करते थे ये सोचकर कि ये विधवा नारी, ये बेचारी, हम इसकी अगर मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी मदद हो जाएगी, तो चल भाई हम इनकी वीडियो देखते हैं, इनके चैनल को सपोर्ट करते हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और बसंती क्या करती हैं कि अपने ही सब्सक्राइबर, अपने ही वीडियो व्यूवर्स जो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, यहाँ पर यही होता है ना, उनको बेवकूफ बना रही थी। रीजन ये कि काफी दिनों के बाद वो कह रही है कि अब हम यूट्यूब पर काम नहीं करेंगे, और ये भी कि साथ साथ वो रो रही हैं। तो मैं थोड़ा सा उनसे पूछना चाहूंगी, काफी दिनों बाद बसंती जी जब आपके चैनल पे व्यूज डाउन हो गए तो आप रो रही हो, लेकिन आपका आंसू उस वक्त कहाँ था जब आपकी इज्जत लूटी जा रही थी लाला जी के द्वारा, बताना मुझे। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ये कैसा रिएक्शन देती हो, तो भाई जो हम सोशल मीडिया पर देखेंगे वही तो बोलेंगे, हम तो अपने मन से कुछ नहीं बोलते। हमारे घर तक तो ये लोग नहीं आते, ना कोई इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचता है, हम जो सोशल मीडिया पर देखते हैं उसी आधार पर हम अपनी बातों को रखते हैं, तो इतना तो बनता है ना। अभी आप देखना कि पहले की अपेक्षा जो बसंती जी को लोग इतना देखना पसंद करते थे, ये मात्र सोचकर कि वो बेचारी है, तो मैं आप लोगों से तो सबसे पहले ये बात क्लियर करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर हर कोई बेचारी बनकर ही आता है, लेकिन वो कितना मास्टरमाइंड, कितना सातिर होता है ना, वो आपको जब आप उनसे निरंतर बने रहोगे तो उनकी सच्चाई आप तक पहुंच ही जाएगी वीडियो के माध्यम से। और कहते हैं ना कि झूठ, झूठ भीड़ में आता है और सच अकेला होता है, लेकिन फिर भी सच की, सत्य की जीत होती है। ये बहुत पुराने समय से होती चली आ रही है, परंपरा है, और परंपरा नहीं कहूंगी, सच सच होता है और झूठ का मुंह काला होता है, और जब झूठ का मुंह काला होता है तो लोगों की दुत्कार, लोगों की नफरत इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और रीजन ये होता है कि उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और फिर वो अपना आरोप दूसरों पर थोपने की कोशिश करने लगते हैं। तो बसंती जी काफी दिनों के बाद रो रही थी, तो बसंती जी से मैं पूछना चाहूंगी, और भाई जो उनको सपोर्ट करते हैं थोड़ा सा आप जाकर पूछिएगा कि बसंती जी जब आपको लाला जी ने परेशान किया था, क्या कुछ किया था आप लोगों को मालूम है, मैं बार बार उस वर्ड को तो नहीं बोल सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि उस वक्त बसंती के आंसू कहीं से भी दिख नहीं रहे थे। बसंती कहीं से भी उस समय लाचार, बीमार नजर नहीं आ रही थी जब उसके साथ उस तरह की घटना हुई। तुरंत दूसरे दिन वो पूरे अपने काम काज में मस्त, वीडियो बनाने में मस्त नजर आ रही थी। और अभी जब उसका व्यूज डाउन होने लगा, आप देखना कि पहले बसंती के 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 भाई हमारे भी नहीं जाते, व्यूज तो हमारे नहीं जाते मैं ये कहूंगी, लेकिन बसंती तो बड़े चैनल वाली, बड़े बड़े कारनामे करने वाली, तो उसके व्यूज अब डाउन क्यों होने लगे बताना जरा। उसके बाद उसके ही सब्सक्राइबर अब उसकी वीडियोज में जाकर कमेंट भी कर रहे हैं कि बसंती
आपने अभी तक क्लियर नहीं किया कि उस केस का क्या हुआ जो आपने आरोप लाला जी और अनीता जी पर लगाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि आप गांव आइए, हम बैठकर बातें करेंगे, पंचायत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो पूछना तो बनता है भाई, पूछूंगी ना, और यही रीजन है कि आज मैं फिर से ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप लोग थोड़ा जाकर पूछिए बसंती जी से कि बसंती जी जो आपको जो जिन्होंने ये आपके साथ जो गलत किया था, जो आपने आरोप लगाया था, उस आरोप का नाम हम बार बार लेकर नहीं अपना मुंह गंदा करना चाहते हैं भाई इस गंदी महिला के लिए। और इस तरह की महिलाएं जो अपने आप को सही साबित नहीं कर पाती तो वो सामने को गिराने के लिए अपने साथ ही घिनौनी हरकत कर लेती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे जगहों पर भी देखा होगा, कहीं आपके आसपास ऐसी महिलाएं तो आपको मिल ही जाएगी। दूसरी बात कि अब इनके सब्सक्राइबर सॉरी इनके व्यूज जो है वो धीरे धीरे आप देखना कि डाउन हो रहे हैं, क्योंकि आपको कब तक लोग जो है आपको आपके झूठ में खड़े होंगे, आपको देखना पसंद करेंगे। देखिए जो सही होता है ना वो कहीं ना कहीं हमारे जो व्यूअर होते हैं उनको दिखता है, और लोग क्या कहने लगते हैं कि बाद में उनको देखना ना पसंद करने लगते हैं, और यही रीजन होता है कि आपके व्यूज डाउन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर कूद के आएंगे जो बसंती जी के सपोर्टर होंगे, वो कहेंगे कि आपके भी व्यूज नहीं आते, भैया तो मुझे व्यूज से लेना देना नहीं, व्यूज के लिए मैं नाटक नौटंकी यहाँ पर नहीं कर सकती, इसलिए व्यूज नहीं आते। आप लोगों को नाटक नौटंकी देखना पसंद है, इसलिए आप बसंती जी के वीडियो में जाके उनको सब्सक्राइब करते हो, उनको व्यूज देते हो, तो उनको उनके व्यूज आते हो, और उनको व्यूज की जरूरत भी है, तो आप वहां जाकर आप व्यूज देख रहे हैं। मुझे जरूरत वैसे लोगों की बिल्कुल भी नहीं है जो झूठ नौटंकी देखना पसंद करते हैं। मैं कभी ना नाटक करती हूँ, ना झूठ बोलती हूँ, और ना देखना पसंद करती हूँ, और यही कारण है कि आज सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों की नजरों में मैं गढ़ती भी रहती हूँ। चलिए उन सब पर बातें नहीं करूंगी, लेकिन जो सच होता है, सच तो बोलने का अधिकार सबको है, और बोलने का अधिकार, सच तो छोड़ दो, बोलने का तो अधिकार सबको है ना, तो मैं भी तो बोल ही सकती हूँ। तो रीजन ये है कि अब बसंती जी के जो आंसू गिर रहे हैं वो उनके व्यूज कम हो रहे हैं उनके चैनल पे, और वो डॉलर अब थोड़ा कम कमा पा रही हैं, इसलिए उनके आंसू गिर रहे हैं। तो आप सोच लो कि इनको जो है व्यूज प्यारे हैं, डॉलर प्यारे हैं, लेकिन अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। अगर इज्जत प्यारी होती तो वो उस वक्त भी इतना ही रोती, इतना ही परेशान होती, कहती कि मैं यूट्यूब छोड़कर चली जाऊंगी, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई, मेरा ये हो गया, वो हो गया, वो कहीं से भी नजर नहीं आया। जिसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए वो नेक्स्ट दिन ही घर पर काम काज करती नजर आती हैं। वहीं अगर आप अनीता जी की वीडियो देखते हो तो अनीता जी कितनी उनको चोट लगी थी वो तो हम लोगों के सामने वीडियोज में नजर आ ही गई थी, किस तरह से वो परेशान थी, किस तरह से उनको परेशान किया गया था बसंती जी और उनके भाइयों के माध्यम से, वो हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और रीजन था कि कई दिनों तक अनीता जी जो हैं और लाला जी यूट्यूब से यानी कि सोशल मीडिया से भी गायब थे, क्योंकि वो सही में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान थे, और जब इंसान परेशान होता है ना तो वो सोशल मीडिया से दूरी बना लेता है। दूरी इसलिए बना लेता है कि परेशान है, क्या कैमरा लेकर वीडियो बनाएगा। लेकिन इन मैडम को देखिए आप, कि जिनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना, जो इन्होंने इल्जाम लगाया है, उसके दूसरे दिन ही इनकी वीडियो आ जाती है। तो बसंती जी उस दिन नजर नहीं आती, रोती हुई, आज रोती भी लगती है, नजर आ रही है, क्योंकि अब इनकी सच्चाई लोगों के सामने आने लगी है। लोग इनके वीडियो में जाकर इनको सवाल जवाब करते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो ये क्या करती हैं, रोने लग जाती हैं। तो भैया आपका झूठ आप पर ही भारी पड़ गया, लोग तो आपसे सवाल करेंगे आपके कमेंट के माध्यम से, तो आप कमेंट का जवाब दीजिए, रोइए मत, और आप तो बहुत स्ट्रांग महिला हैं तभी यहाँ पर खड़ी हैं इतना कुछ हो जाने के बाद। नहीं तो भाई जिस औरत के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी वो तो मुंह भी नहीं दिखाए। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं ये हम सब जानते हैं, लेकिन आपने जो झूठ बोला है वो झूठ तो आप लोगों का, आपका जो है वो सबके सामने आना ही चाहिए, और यही रीजन है कि हम लोग आपके खिलाफ है, क्योंकि हम झूठ का साथ नहीं दे सकते। और जो महिला अपनी इज्जत की धज्जियां खुद ही उड़ाए उस महिला का साथ कौन देगा, कोई भी नहीं दे सकता। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों से कि बसंती जी की जब इज्जत गई थी तब आंख से आंसू नहीं गिर रहे थे, और
जब अब्यूज कम होने लगे तो नाटक नौटंकी इनकी शुरू हो गई। ये कहती है कि अब मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊंगी, कमेंट से भी परेशानी होने लगी है। तो कमेंट तो आपके करतूतों के वजह से ही लोग ऐसा करते हैं जिसके कारण आपको परेशान होना पड़ा। तो आप कितने दिन लोगों को बेवकूफ बनाओगी, कितने दिन जनता के बीच झूठ रखोगी और लोग आपके झूठ में आपके साथ खड़े रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो यही रीजन है कि बसंती जी अब रो रही हैं, उनके व्यूज डाउन होने लगे हैं। दूसरी तरफ ये जो है गोलू के पापा कह के बोलती है, तो गोलू के पापा तो भाई शुरू से पियक्कड़ थे, आज नए तो नहीं थे, जो आप लोगों ने इल्जाम लगा दिया कि प्रॉपर्टी ले ली गई इसलिए वो पीने लगे थे। वाह भाई वाह, गजब के देवदास थे। चलिए ज्यादा अब वीडियो मेरी अधिकतर लंबी हो जाती है और काफी दिनों के बाद मैंने बसंती जी का वीडियो देखा तो सोचा भाई अपना रिएक्शन तो देना बनता है, इसलिए मैंने ये रिएक्शन वीडियो बनाया। और आप में से जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं अपने कमेंट इस वीडियो में देने का प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें हमारी सच्चाई पता चलती है। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं कि हम जो बोलते हैं एकदम सही बोल देंगे, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हाँ मैंने ये बात गलत बोली। और हम तो बसंती जैसे है नहीं, हम तो भाई हमारी गलतियां अगर आप बताओगे तो कोशिश रहेगी कि आइंदा से जब मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊं उस वीडियो में वो गलतियां ना दोहरा पाऊं। क्योंकि यहाँ पर लोग मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कि मुझे उनके जैसा बनना भी पड़ेगा। अब हाँ, कुछ लोग ऐसे भी है जो आकर उल्टा सीधा लिखते हैं, जो बसंती के कुछ सब्सक्राइबर होंगे या फिर उनके घर के कोई होंगे, मुझे नहीं पता, तो उनके लिए मेरी वीडियो नहीं होती है। बाकी जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनको दिल से धन्यवाद। और भाई मेरे चैनल को भी उतना ही सपोर्ट करिएगा जितना आप इधर उधर करते हो। चलो खैर कोई बात नहीं, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन हिट करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं